एनडीए की सरकार में कोई भ्रष्टाचार होगा बचेगा नहीं। तो लोग गलती से 17 महीना जो सरकार में रहे ना, इसलिए उनको लार टपक रहा है। ये लोग निगेटिव सोच के लोग हैं, ये लोग तोड़ने फोड़ने गिराने यही बात करें, हम लोग बनाने वाले लोग हैं। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं, मैं हूं अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर आज पहुंचे हैं केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद, जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं। पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं जब से वो चुनाव जीते हैं, सांसद बने हैं, और दिल्ली में शपथ ग्रहण के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। इस दौरान जो है आपको बता दें कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो जगह जगह पे ढोल नगाड़े के साथ जगह जगह पे उनका स्वागत किए हैं। इस दौरान बता दें कि मुजफ्फरपुर के जवाहरलाल रोड स्थित चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी उनका भव्य स्वागत किया गया है। इस दौरान बता दें कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, मंत्री केदार गुप्ता, पूर्व मंत्री रामसूरत राय और चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भीमसेरिया सहित सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के महिला और पुरुष कार्यकर्ता के साथ शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे, उनका भव्य स्वागत किया गया। राजभूषण निषाद का कहना है कि देखिए कि मुजफ्फरपुर का विकास होगा, विकसित मुजफ्फरपुर होगा, इसके लिए हम लोग काम करेंगे और मुजफ्फरपुर के साथ साथ बिहार का भी विकास होगा। और जो लोग बीजेपी को लेकर जो लोग भ्रम फैला रहे थे उन सभी पर भी राजभूषण निषाद ने हमला बोला है। इसके साथ ही बता दें कि राजभूषण निषाद ने ये भी कहा कि लगातार जो बिहार में पुल गिर रहे हैं उसको लेकर जब मीडिया ने सवाल उनसे किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि देखिए ये जो लगातार जो पुल गिर रही है इस सभी की जाँच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी होंगे उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो लालू यादव कल राजद के 28वां स्थापना दिवस के मौके पर लालू यादव ने यह दावा किया है कि आने वाले समय में यानी कि अगस्त महीने तक जो है राज्य सरकार चलेगी, अगस्त के बाद जो है केंद्र सरकार नहीं चल पाएगी, यानी कि मोदी की सरकार नहीं चल पाएगी, जिसको लेकर भी केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने कहा है कि देखिए ये लोग जो बोल रहा है ये लोग भ्रम फैलाने वाले लोग हैं और इन लोगों को कहीं ना कहीं नोटिस नहीं लेना चाहिए, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। इसके साथ ही बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता जो पंचायती राज विभाग के मंत्री है उन्होंने भी लालू यादव पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि 17 महीने के जो सरकार चले हैं वो गलती से सरकार चली है, उस सरकार में जो भी इनके विभाग में जो भी मंत्री बनाए गए थे और जो जो विभाग इन लोगों को मिला था उन सभी विभाग की भी जाँच की जा रही है और बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। क्या कुछ कह रहे हैं राजभूषण निषाद जो केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री है और बिहार सरकार के मंत्री पंचायती राज विभाग के मंत्री है केदार गुप्ता, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। जो है पुल पुलिया गिर रहा है, कह रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि सरकार जो इंडिया की सरकार है पूरा भ्रष्टाचार का फैक्ट्री चला रही है। देखिए जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है वो दूसरे को क्या बताएंगे। एनडीए की सरकार में कोई भ्रष्टाचार होगा बचेगा नहीं, जांच कार्रवाई चल रही है और संबंधित पदाधिकारी और ठेकेदारों पर बड़ा प्रहार होगा, बड़ी कार्रवाई होगी। राज्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल दावा कर रहे हैं कि सरकार राज्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव दावा कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो ज्यादा नहीं चलने वाली है, बैसाखी काले सरकार है। देखिए ये लोग निगेटिव सोच के लोग हैं, ये लोग तोड़ने फोड़ने गिराने यही बात करें, हम लोग बनाने वाले लोग हैं, हम लोग निर्माण करने की बात करेंगे, इसलिए ऐसे लोगों को बहुत नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया कि सरकार जो है जाति में चलने वाली केंद्र सरकार। देखिए दरअसल वो गलती से 17 महीना जो सरकार में रहे ना, इसलिए उनको लार टपक रहा है। जो जो विभाग उस विभाग को उनका जो मंत्री संभाला है सबका जाँच चल रहा है, चूंकि वो तो लूटने का काम करते रहे हैं और इनका जो गठबंधन हुआ उसमें नीतीश जी भी इसी वजह से उनको छोड़ने का काम किए कि यह लुटेरा के साथ हम नहीं रह सकते। सरकार 500 चलेगी ना, पूरा पूरी चलेगी। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद, जो मुजफ्फरपुर के सांसद भी है, आज पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। वही बिहार सरकार के मंत्री पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने भी विपक्ष पर हमला बोला है, लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।